तो दोस्तों टीवी तो हम सभी लोग खरीद लेते हैं। अब आज के टाइम में हर एक के घर पे एक स्मार्ट टीवी होता है, एक 4K टीवी होता है, लेकिन हम लोग खरीदने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम वही होता है, क्योंकि हम लोग शौक से तो अपना नया टीवी खरीद लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सबको नहीं पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी होता है। तो मेरा नाम है दीप और वेलकम टू माई चैनल दीप टेक्नोलॉजी पे। आज मैं आप लोगों को ये कुछ चीज बताने वाला हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेरा मी टीवी है। सिर्फ मी टीवी नहीं, आप चाहे तो अभी के नया जितना भी एंड्रॉयड टीवी है, जितना स्मार्ट टीवी है, इन सभी में लगभग ऐसा ही फीचर्स होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ हिडन फीचर्स या कुछ फीचर्स जो आप लोगों को पता है वो आप लोगों को भी मैं और एक बार नॉलेज देना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे टीवी के स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ क्या क्या नया चीज आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं आ गया हूँ मैं टीवी के स्क्रीन पे। आप अपना टीवी को ओपन कर लीजिएगा, कोई भी टीवी हो। उसके बाद चले जाइएगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाके एकदम नीचे आएगा, देखिएगा आएगा डिवाइस प्रेफरेंस, उसको खोलिएगा। देखिए ऊपर में आएगा अबाउट योर टीवी, ये सब नहीं चाहिए। अगर डेट और टाइम आपको ठीक करना है तो यहाँ से ठीक कर सकते हैं। नीचे टाइमर सेट किया गया है। ये चीज़ क्या है, सोचिए आप लोग मूवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, लेकिन रात के टाइम में आप लोगों को नींद आ रहा है। तो अगर आप चाहे तो अपना यहाँ पे जाके टाइम सेट कर देंगे, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, जितना टाइम के लिए आप चाहे तो इसको सेट कर दे सकते हैं। इसका अगर सेट कर देंगे उतना टाइम के बाद आपका टीवी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आपका पावर कंजम्पशन भी नहीं होगा, तो आपका टीवी का जो कंटिन्यूस जो चलता रहेगा वो चीज़ भी नहीं होगा। ये गया एक चीज़। अभी आता हूँ मैं दूसरे चीज़ में। देखिए उससे नीचे थोड़ा चले ही जाएंगे तो यहाँ पे साउंड वाला ऑप्शन आता है। इसको अगर आप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे सिस्टम साउंड एनेबल है। अगर मैं कुछ ब्लूटूथ या कोई फ्रंट में मैं साउंड बार या कुछ कनेक्ट रहता तो उसका ऑप्शन दिखाता। तो उसके बाद चला जाता है साउंड मूड पे। साउंड मूड पे मैं जब ही आता हूँ, देखिए यहाँ पे तीन चार मूड है। देखिए जैसे ऊपर में है स्टैंडर्ड मूड, उसके बाद आता है न्यूज़, मूवीज़, गेम और कस्टम। कस्टम मैं करके रखा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अपना प्रेफरेंस से सजाना, तो मैं कस्टम करके रखा हूँ। लेकिन कुछ कुछ के घर पे क्या होता है, जो लोगों को सोचिए न्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, कंटिन्यूसली वो लोग घर पे न्यूज़ चलाते हैं, क्योंकि न्यूज़ का जो साउंड का लेवल होता है वो कुछ अलग होता है, तो वो लोग न्यूज़ पे सेट कर सकते हैं। जो लोगों को मूवी देखना ज़्यादा पसंद है या मूवी देखने के टाइम में आप लोग मूवी में सेटिंग कर सकते हैं। अगर कुछ गेम प्ले देख रहे हैं या टीवी पे ही गेम प्ले सुन रहे हैं या खेल रहे हैं तो उस टाइम आप गेम में जाके सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं पिक्चर में। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आ गया हूँ। पिक्चर में बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए मैं यहाँ पे वाइब मूड पे रख दिया हूँ। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में कर दूंगा ना, देखिए स्टैंडर्ड में कर दिया, देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस घट गया है। अभी मैं एकदम बैक में आ जाता हूँ, देखिए मेरा पिक्चर का क्वालिटी ना थोड़ा सा जैसे डाउन हो गया है। तो मैं सीधा चला जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं पिक्चर को थोड़ा सेट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया, मूवी टाइप हो गया। इसमें रखेंगे तो मूवी का जो विजुअल इफेक्ट है वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अगर ऑल टाइम यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट है ये, तो आप वाइब में रख सकते हैं। अगर कोई गेम प्ले या कुछ देख रहे हैं तो उस टाइम में आप पोर्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद आप कस्टम भी कर सकते हैं अपना पिक्चर क्वालिटी को। देखिए यहाँ पे जाके कस्टम कर सकते हैं कितना ब्राइटनेस, शार्पनेस, सैचुरेशन कितना रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। देखिए जो लोग घंटों भर टीवी देखते हैं उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा वम में रखिए। अगर वम में रखिएगा ना तो देखिए ये आई प्रोटेक्ट का भी काम करता है एक तरह से। और उसके बाद होता है बहुत हाई वाला होता है कूल, या कूल पे रखेंगे देखिए पिक्चर क्वालिटी हल्का सा चेंज हो गया है, बहुत ब्राइट हो गया है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं अपना स्टैंडर्ड में कर देता हूँ, मैं ऑल टाइम स्टैंडर्ड में रखता हूँ। ये इसको मीडियम में ही रखिएगा तो बहुत अच्छा। ये होता है डायनामिक बैकलाइट। जब सोचिए आप कुछ गेम प्ले देख रहे हैं फुल के अल्ट्रा एचडी में कुछ बहुत अच्छा देख रहे हैं, तो ब्लैक स्पॉट जो होता है, डार्कनेस जो होता है, उसको ऑन करने के लिए आप जाके ये डायनामिक बैकलाइट ऑन कर सकते हैं। उसको छोड़ के भी आप कुछ कुछ कूल फीचर्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए मेरा हाथ में रिमोट है, आप देख पा रहे हैं। ये रिमोट के ऊपर में जो बटन है, ये वाला बटन देख लीजिए, इसको अगर प्रेस करके कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गया है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गया है, पावर ऑफ, रिस्टार्ट एंड स्क्रीन ऑफ। इसको मैं अगर स्क्रीन ऑफ कर दूंगा
तो देखिए मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया, लेकिन आपका कुछ साउंड या कुछ भी चल रहा होगा तो ये चलेगा कंटिन्यूसली। उसके बाद और एक बार मैं इसको पावर बटन को ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। आप इसी तरह से आपका साउंड को भी ऑन कर सकते हैं, स्क्रीन को बंद कर सकते हैं, ये सब कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ पता होगा इसके बारे में कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं है। अगर इसे अलग सा कुछ जानकारी भी चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए मुझे पता है थोड़ा ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो है क्योंकि मैं अपना फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाए तो मैं आगे और अच्छा वीडियो कंटेंट आप लोगों को दे पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।